हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये वाला लुक शेयर करने जा रही हूँ। रमज़ान चल रहे हैं, ईद के लिए करने जा रही हूँ। वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है ना। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए लैक्मे का एलोवेरा जेल प्लस प्राइमर लगाया हुआ है अपने पूरे फेस पर। उसके बाद 2 मिनट रेस्ट दे करके मैं प्राइमर लगाने के बाद फाउंडेशन पर डायरेक्ट मूव करूँगी। फाउंडेशन के लिए मैंने लैक्मे का ये वाला फाउंडेशन लिया हुआ है, जिसका शेड मुझे याद नहीं है सॉरी। उसके बाद मैं उसे अच्छे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जॉनसन बेबी का पाउडर लेकर के अपने बेस को सेट किया है, क्योंकि गर्मियों में क्रीज बहुत जल्दी करता है। तो जैसे आप कुछ भी क्रीम व्रीम लगाओ, फटाक से उसे सेट कर लो, वरना वो जो लाइंस बन जाती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। तो हमारे आईब्रो अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने आईब्रोज को फिल इन कर लिया। तो उसके बाद कंसीलर पे मूव ऑन करते हैं, आईज पे। तो कंसीलर के लिए मैंने ये वाला पैलेट में लिया है, एमएन का, मीनाओं का। उसके बाद कंसीलर मैंने आपको दिखाया, वो कंसीलर लेके सबसे पहले अपने आईलेट पे लगा लीजिए। और आप अगर आप एक आईलेट कंप्लीट कर रहे हो तो उसे फटाक से सेट कर लो। गर्मी इतनी है यार कि दूसरे आईलेट पे लगाओगे तब तक वो वाला ख़राब हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले उसे सेट कर लो। उसके बाद ये ब्राउन ऑरेंज वाला शेड लेने से पहले मैंने लिप लाइनर जो है मेरे पास, उसे लेकर के एक लाइन ड्रॉ कर ली कि मेरे यहाँ पे क्रीज है ना। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपको क्रीज में दिक्कत होती है तो आप ऐसे कर लो, उसके बाद उसको ब्लेंड कर लो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर जो कलर करेक्टर उसे लेकर के डॉट डॉट करके, आज मैं पूरा देखिए मुझे उतना अच्छा कट क्रीज बनाने नहीं आता, पर जितना भी आता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो जब हमारी जो हमारे डेप्थ है वो तो मिल ही चुकी है, तो उसके हिसाब से एक पतले ब्रश की हेल्प से, पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं उसे बिंदु बिंदु करके कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो गया है कंसीलर और कट क्रीज बन चुकी हैं। तो मैं इसे 1/3 आईलेट पे लगाऊंगी, बाकी ऐसे सिंपल छोड़ दूंगी। तो हमारी आईज अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने फॉल्सीज अप्लाई कर लिया। आप चाहो तो आईलाइनर भी लगा सकते हो, आईलाइनर मैंने लगाया नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैं फॉल्सीज अप्लाई कर रही थी। और काजल भी लगा सकते हो, एक्चुअली मुझ पर काजल अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैंने काजल नहीं लगाया हुआ है। और सेम ब्लू शेड लेकर के, ग्रीन शेड लेकर के मैंने इसे लोअर लैशेज पे किया है। फिर अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है। ब्लश मैंने कोरल लगाया था, दिखाना मैं यहाँ दिखा नहीं रही क्योंकि हमेशा मैं यही लगाती हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ। ब्रोबोन को हाईलाइट किया है, जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ आप हाईलाइट करिए। तो ये है फाइनल लुक, लिपस्टिक जो मैंने आगे आपको दिखाया हुआ है, सो वही लिपस्टिक मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये है फाइनल लुक, कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करती हूँ। सो ये नेचुरल लाइट की फ़ोटोज़ हैं। सो बताइएगा ज़रूर आपको ये लुक कैसा लगा, और रिक्रिएट करिएगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करिएगा। मैंने आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाय।